पर उपस्थित इस जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, इस कॉलेज के प्रधानाचार्य जी, मेरठ प्रांत के प्रांत प्रमुख गोरक्षा प्रांत प्रमुख घनश्याम जी, मातृशक्ति और इस प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष, जैसा कि आप सभी को अभी संचालन महोदय ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष जो है पूर्ण हुए, तो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना क्यों हुई, किन कारणों से हुई, कैसे हुई और क्या क्या उसने 60 वर्षों में उपलब्धियां हासिल की, तो इसके बारे में आज मैं आपको यहां पर बताऊं। तो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना सन 1964 ईस्वी में जन्माष्टमी के दिन हुई थी, और हुई क्यों थी और उनमें कौन कौन लोग शामिल थे, मैं एक बार नाम बता देता हूं। अपने पूज्य स्वामी जिमेनंद महाराज जी हैं जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, और उन्हीं का ये आश्रम है मुंबई में स्थित संदीपनी आश्रम, संदीपनी मुनि आश्रम है, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। उस बैठक में लगभग 100-125 संख्या थी, उनमें कुछ मुख्य लोगों का मैं आपको नाम बताता हूं। मास्टर तारा सिंह जी, ज्ञानी भूपेंद्र जी, अध्यक्ष श्रोमणी अकाली दल, डॉक्टर के एम मुंशी, श्री गुरु जी उस समय के तत्कालीन राज्य स्वयंसेवक के संचालक जी थे, स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी, राष्ट्र संत तुकड़ो जी महाराज, बीजी देशपांडे तत्कालीन महामंत्री हिंदू महासभा के थे उस समय, बैरिस्टर एच जी आडवाणी, पद्मश्री केका शास्त्री, डॉक्टर बी एस पड़ीकर, प्रिंसिपल महाजन के सोमे, राजपाल पुरी, श्री सूर एवं श्री पोगार नोर भी, श्री राम कृपलानी, धर्म श्री मूलराज खराऊ, डॉक्टर नरसिंहाचार्य आदि 40 से अधिक संतों एवं विचारकों ने चिंतन किया विश्व हिंदू परिषद के लिए। तो चिंतन हुआ और उस चिंतन में संगठन का नाम चुना विश्व हिंदू परिषद। उसके बाद संगठन के जो डॉक्टर के एम मुंशी जी थे, तो उन्होंने बिंदु बताए कि संगठन किन मानदंडों पर आगे कार्य करेगा। तो संगठन के 5 मानबिंदुओं को तय किया गया, जो थे माता, गोमाता, भारत माता, अपने धार्मिक ग्रंथ और मठ मंदिर। माता में अपनी माता की रक्षा करने का कार्य, अपनी माँ को जिस माँ ने हमें जन्म दिया, 9 माह हमें अपने गर्भ में रखा, तो उसके लिए करने का कुछ ना कुछ हमारा फर्ज बनता है कि नहीं बनता है, साथ में बोलते रहेंगे, बनता है कि नहीं बनता है। तो माता के लिए कार्य करने के लिए कहा, फिर अपनी गौ माता। पहले क्या होता था, हमारी जो कृषि थी, जो हमारी मूल पहचान है, जो कृषि से हमारी पूरे विश्व के अंदर हमारी पहचान है, हमारे यहाँ के मसाले और कृषि से कई चीजें, गन्ना, गेहूं, चावल, आप सभी कृषि प्रधान देश के नाम से जाने जाते हैं। तो कृषि के जो कार्य था वो जब तक संपन्न नहीं था जब तक वो आधारित कृषि नहीं होती थी।
तो गाय की एक सर्कल था, अगर एक घर में गाय है तो गाय का गोबर खेत में जाएगा, उससे खेत, क्योंकि उस समय कोई हमारे पास खाद थोड़ी था, खाद तो दुनिया भर की चीजें हैं, एनपीके है, यूरिया है वगैरह वगैरह वो चीजें हैं, मगर उस समय हमारे पास इस तरीके से कुछ नहीं होता था। हम हरी खाद और गाय की जो गोमूत्र था और गोबर था उनको सड़ा गला कर और खेतों में डालते थे, और उससे हमारी खेती जो है होती थी, जिससे हमारा घर जो है चलता था। ऐसा ही है जी, कुछ लोग बीच में बैठे हैं गलत बातों को बता देना, ऐसा ही है। तो गाय को बचाना बहुत जरूरी था, तो गो के लिए गाय के संबंध में उस समय खड़ा होना था, तो गाय के रूप में काम करना था संगठन को। तीसरा अपना भारत माता, अपने हम इस देश में जन्म लिया है तो उस देश का बन के रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो देश के लिए एकमात्र देश एक भारत है जो अपनी उसे माँ का दर्जा दिया है। मेरी बात सही है गलत? एकमात्र हिंदुस्तान भारत ही ऐसा देश है पूरे विश्व में जो अपने देश को माँ का दर्जा देता है। बांग्लादेश जैसे भी बहुत देश है। तो तीन बिंदु ये हुए, और चौथा अपना मठ मंदिर।